देख रहे हैं बीबीसी सिटी न्यूज। सामिक नादरीन, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं बीबीसी सिटी न्यूज कराची। जी नादरीन, आज हम मौजूद हैं कराची के इलाके कराची के नेशनल प्रेस क्लब के अंदर और यहाँ पे आज माशाल्लाह दावत हलीम का प्रोग्राम रखा गया है और आज हमारे साथ जो मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, तो आइयो इनका तारुफ जो है ना वो इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। जी मौजूद। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं जनरल सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब कराची, आज के इस प्रोग्राम में तमाम मेहमान जो मेरे तशरीफ़ फरमाए, मैं उनको भी खुश आमदेद कहता हूँ। साथ में ये भी कहूँगा कि नेशनल प्रेस क्लब वो इदारा है जो आम लोगों के लिए भी अपने दरवाज़े खोलता है और इसलिए यहाँ पर बेशुमार यहाँ प्रोग्राम होते हैं, ख़ासकर सेमिनार होते हैं और पॉलिटिकल साइड के जो लोग होते हैं वो भी हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा होते हैं। मैं बीबीसी के सिटी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बात करने के लिए बुलाया है। मैं और ये कहूँगा कि इस प्रोग्राम के जो रूए रवा होते हैं वो अफजल वारसी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो भी होते हैं और आज ये नेशनल प्रेस क्लब का जो चहलम का प्रोग्राम है न्याज का और इसके अंदर हमारे बड़े मेहमान तशरीफ़ फरमाए। मेरा नाम ताहिर मलिक है और मैं यहाँ नेशनल प्रेस क्लब में एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ और नेशनल प्रेस क्लब की जब से नई काबीना बनी है, नया चार्ट संभाला है, उस काबीना में मैं शुरू से मौजूद हूँ और नेशनल प्रेस क्लब में सब जितनी एक्टिविटियाँ हो रही हैं वो रोज़ हर दूसरे दिन माशाल्लाह अच्छी एक्टिविटियाँ हो रही हैं। आज भी चेलम की जो एक्टिविटी की गई है, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा भी इसी तरीके से भरपूर नेशनल क्लब को आप लोग बीबीसी समेत जितने भी सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। मैं नेशनल प्रेस क्लब की ऑफिस सेक्रेटरी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये समझ लें फरवरी मार्च से हमने यहाँ पे शुरू किया है काम और तकरीबन हम नेशनल प्रेस क्लब में 12 प्रोग्राम तो करा चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नात खानी, कव्वाली, मुख्तलिफ इवेंट्स यहाँ पे, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस हम यहाँ पे करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं बीबीसी सिटी न्यूज़ कराची। जी नाज़रीन, आज जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे नेशनल प्रेस क्लब के अंदर दावत हलीम का प्रोग्राम किया गया, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, तो उस हवाले से हमारे साथ जो मौजूद हैं ये फरीदा आपा हैं नक्शबंदी, जो कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के अंदर जो है ना वो नातें पढ़ती हैं, कलाम पढ़ते हैं, तो आइए इनके इनकी नातें भी सुनेंगे आज इंशाल्लाह और कलाम भी सुनेंगे, तो आइए उस हवाले से इनसे कुछ बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, कैसे हो अब्दुल्ला? जी बिल्कुल, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? माशाल्लाह इस वक्त हम लोग नेशनल प्रेस क्लब में मौजूद हैं और यहाँ तकरीबन हर माह और बाज़ दफ़ा महीने में 2 इवेंट्स भी होते हैं माशाल्लाह और ये लोग मुझे बड़ी मोहब्बत से बुलाते हैं और यहाँ पे आज जो है हम लंगर इमाम हुसैन के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, तो उन्होंने नात खानी के लिए मुझे मदऊ किया है और यहाँ पे यहाँ के चीफ़ ऑर्गेनाइज़र जो हैं एम जमील राही साहब हैं और अफजल वारसी साहब यहाँ के सदर हैं। बहुत ही यहाँ का इन्होंने बहुत ज़बरदस्त ये रखा है कि हर तरह के प्रोग्राम्स यहाँ पे होते हैं, लेकिन चूँकि हम ज़ाहिर एक मुसलमान हैं तो हमारी जो दीनी प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पे हर माह तकरीबन मुनक़िद किए जाते हैं और लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट भी करते हैं और इन्वेस्टर भी यहाँ पे बहुत आते हैं, लोग बहुत बड़े ज़ौक़ शौक़ से यहाँ पे आके हिस्सा लेते हैं यहाँ के हर तरह के प्रोग्राम्स में। चलें, बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ मौजूद फरीदा आपा, जो कि फरीदा आपा नक्शबंदी, जो कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में नाते भी पढ़ती हैं और इनकी आवाज़ भी सुनाएंगे इंशाल्लाह। जाइएगा मत, तब तक के लिए तमाम जिम्मेदारियाँ पूरी की, दो तीन बजे से यहाँ मौजूद रहे, बारिश हुई और दीगर मामला का भी फेस करते रहे, लेकिन इस प्रोग्राम को कायदेन तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा किया और मैं दोस्तों में से तमाम दोस्तों से जो इस प्रोग्राम में हाजिर हुए, खुद भी लंगर खाएँ और
जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चलन के लिए हमारे जो दो अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं बीबीसी सिटी न्यूज़ कराची। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं नेशनल क्लब कराची के अंदर और हमारे साथ जो मौजूद हैं ये प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल प्रेस क्लब के हैं। तो आइए इनसे कुछ, आज जो तकरीब है दावत हलीम का जो इन्होंने अहतमाम किया था, बहुत अच्छा VIP अहतमाम किया गया था, और उस हवाले से इनसे कुछ सवाल करते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम, ठीक ठाक सर। ये आज माशाल्लाह जो आपने प्रोग्राम किया, ये पहले भी चलता रही है, फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं? सर ये नेशनल प्रेस क्लब की चूँकि सदारत मैंने लास्ट ईयर मुझे मिली है और ये पहली तकरीब है चैलम के हवाले से, लंगर इमाम हुसैन के हवाले से। इसके अलावा हम तकरीबन नेशनल लेवल की जितनी भी तकरीबात हैं, पाकिस्तान डे हो, चाहे इसमें पाक फ़ज़ाइया का दिन हो, या कोई भी नेशनल इवेंट्स आते हैं, छोटी मोटी हमारे कुछ दोस्तों की सालगिरह हैं, तकरीबात हैं, वो सब का इनेकाद नेशनल प्रेस क्लब जो है वो करता है। समाजी, अदबी, सकाफती तमाम सरगर्मियों का इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब मरकज़ है। अच्छा माशाल्लाह, तो आगे फ्यूचर में क्या सोचा आपने इस हवाले से, नेशनल प्रेस क्लब के हवाले से? नेशनल प्रेस क्लब इस वक्त तमाम जो है वो आवाम की और अपने कारकुनों की, दोस्तों की, जो भी हमारे मीडिया वर्कर्स हैं उनकी आवाज़ बनकर इस वक्त पूरी दुनिया में फैल रहा है। और नेशनल प्रेस क्लब का ये दावा है क्योंकि नेशनल के होने की वजह से हम उन तमाम जो छोटे क्लब्स जो खोलकर इस वक्त बैठे हैं, हम सबसे ये कहते हैं कि नेशनल प्रेस क्लब के साए तले आप सब इकट्ठे हो जाएं और एक आवाज़ बनकर उभरें। और नेशनल क्लब का असल में क्लब का जो मकसद है वो है बैठक, क्योंकि हमारे मुल्क में ये कल्चर और सकाफत सदियों से चली आ रही है कि हर जगह पर आप देखें सूबे के हिसाब से, हर सूबे के घरों में, अपने इलाकों में ओताक, बैठक या डेरा जिसे हम कहें वो बैठते हैं, ताकि लोग वहाँ एक दूसरे से अपने तजुर्बात का इस्तेफादा कर सकें। तो इसलिए साफियों के बैठने के लिए भी एक मरकज़, एक जगह जो है जिसे हम क्लब का नाम देते हैं, वो क्लब जो हम चाहते हैं कि इसमें मज़ीद वसत मिले। हमें हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमें एक जगह अच्छी सी प्रोवाइड की जाए, ऐसी जगह को वसत दिया जाए ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है, क्योंकि अभी हमारे पास मुख्तलिफ जो है वो लोगों का तांता बंधा हुआ है कि आप हमें जो है मेंबरशिप दें, लेकिन इस वक्त हमारे पास इतनी जगह मौजूद नहीं है कि हम लोगों को मेंबरशिप दे सकें और अपना हल्का वसी कर सकें। अच्छा सर, मुझे ये एक बताइएगा, थोड़ा सा तल्ख सवाल है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कराची के अंदर तो ऑलरेडी भी कराची प्रेस क्लब भी है, यानी कि वो है, तो दूसरे बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? जैसे कि कुरंगी प्रेस क्लब भी है, उसके बाद ये नेशनल प्रेस क्लब भी है, इसकी क्या वजूहत थी? क्लब एक बैठने की जगह है, तो कराची प्रेस क्लब में भी चूँकि जिस वक्त उनका क़याम हुआ उस वक्त जो है वो चंद मीडिया के पेपर्स, उस वक्त प्रिंट मीडिया होता था, तो तकरीबन 20 साल हुए हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, उसके बाद सोशल मीडिया भी इस वक्त जो है एक कुलीदी किरदार अपना माशरे में अदा कर रहा है। तो इस वक्त साफियों की तादाद चंद हज़ार थी, अब मेरे ख्याल में हज़ारों में तादाद है, बल्कि लाख से ऊपर होगी कराची के अंदर। तो उनके बैठने के लिए एक प्रॉपर जगह होना, फिर उसके लिए इंतज़ाम होना, उसके लिए फंड्स होना, उसके लिए जगह होना, ये एक बहुत मुश्किल अमल है। तो इसके लिए जो है शहर भी बड़ा हो गया, अब कराची जितने तो दुनिया के अंदर रियासतें और मुल्क हैं जितने कराची की आबादी या कराची का जो भी इसका रकबा है, तो इसके लिए एक जगह पर सब लोगों को इकट्ठा करना ये बहुत मुश्किल अमल है। इसलिए लोगों ने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपने उस पर जो है उन्होंने अपने अपने लिए इंतजाम किए हैं। मेरे ख्याल में ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है, शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक का आप सफ़र करें तो 45 से 50 किलोमीटर का सफ़र बनता है। एक साफ़ी 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद वो क्लब में कैसे अपना टाइम दे पाए, इसलिए लोगों ने अपने लिए क्लब्स कर दिए और गवर्नमेंट ने उनको रिकग्नाइज़ किए हैं। अगर ये सही नहीं होते तो गवर्नमेंट उनको रजिस्टर्ड भी ना करती और रिकग्नाइज़ भी ना करती और फंडिंग भी ना देती। अच्छा सर, मुझे एक और सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ मैं, कि इस नेशनल प्रेस क्लब का जो बनाने का किन्होंने सोचा और किन्होंने इसका आगाज़ किया? नेशनल प्रेस क्लब तकरीबन आज से 12, 12.5 या 13 साल कबल इसकी बुनियाद रखी गई थी, और नेशनल प्रेस क्लब का जो बुनियाद है इस वक्त भी हमारे दरमियान जो सीनियर हज़रात मौजूद हैं, चूँकि जिस बिल्डिंग में इसका क़याम हुआ वो बिल्डिंग ख़ुद अखबारात का एक मरकज़ हुआ करती थी, जिसे
अल मशरिक सेंटर के नाम से किया जाता था और बाद में इसका नाम ऐवान मशरिक से नेशनल प्रेस ट्रस्ट, जब ऐवान मशरिक अखबार को जब प्राइवेट किया गया, जब डाउन साइजिंग की गई और उसको सेल आउट किया गया, तो उनके बहुत सारे लोग जो थे वो इस बिल्डिंग में जो है वो इससे मुतासर भी रहे और उसके साथ ही जुड़े रहे। तो उनमें से चंद दोस्तों ने जो है वो यहीं पर अपनी बैठक, क्योंकि सारी ज़िंदगी जिस इदारे को और जिस बिल्डिंग को दे दी उन्होंने, तो वो उसी बिल्डिंग का हिस्सा बनकर रह गया और यहीं उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब का जो है बुनियाद रखी। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। जी सर, ये हमारे साथ, जी नाज़रीन, हमारे साथ जो मौजूद थे ये प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल प्रेस क्लब कराची के थे, तो इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और आपको ये भी बताया कि अभी प्रेस क्लब, जैसे कि कराची प्रेस क्लब बना हुआ है, उसके बाद नेशनल प्रेस क्लब है, ये और भी है, ये एक बैठने की जगह, जितने भी सहाफ़ी हैं नहीं वो एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन दूसरी जगह तीसरी जगह वो सभी डिवाइड होकर बैठ सकते हैं। जी नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए बीबीसी सिटी न्यूज़ कराची। आप देख रहे हैं बीबीसी सिटी न्यूज़।